कॉल मी बे का रिसेंटली ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। क्या तुम्हें नहीं लगता है आजकल सोशल मीडिया कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया है? जैसे इस क्रेजी फिल्म को ही ले लेते हैं, मैं डैम श्योर हूँ अनन्या पांडे ऐसी मूवी डिजर्व करती हैं। जैसे उनकी हरकत ही क्रेजी है ना, वैसे इनका कैरेक्टर भी क्रेजी होने वाला है कॉल मी बे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्लिक्स अनपैक्ड पर। कॉल मी बे में हमें अनन्या पांडे मेन लीड रोल में नजर आने वाली है। मूवी में अनन्या पांडे का नाम बे यानी बेला होता है। ट्रेलर की शुरुआत से ही हमें पता चलता है कि बे एक अमीर बाप की सुस्त और बिगड़ैल औलाद होती है, जो कि बोलती है मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई हूँ। हमारे पास 7 लग्जरी कार, एक चॉपर और उनका एक ड्रीम है फेरी टेल वेडिंग करने का होता है। अभी तक बे की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, लग्जरी बैग, घर, लाइफस्टाइल, पार्टी, सब कुछ क्रेजी चल रहा था। और सडनली ये मूवी में ट्विस्ट कैसे आ गया, जहाँ बे अपने स्टाफ से बोलती है क्या मेरे सारे कार डिक्लाइन हो चुके हैं, मतलब मैं। तब उनकी स्टाफ गर्ल बोलती है मिडिल क्लास वुड बी एन अपग्रेड मैन। ट्रेलर की शक्ल देखने लायक होती है इसमें। इस मोमेंट में अब बे की एक फ्रेंड बोलती है अब तुझे सब कुछ नई तरह से शुरू करना होगा किसी ऐसे शहर में जहाँ तू पेज 3 में ना आए। अब बे अपनी उसी स्टाफ गर्ल के साथ ऑटो में होती है जहाँ एकदम से ब्रेक लग जाता है, जिसमें बे बोलती है कि इसमें सीट बेल्ट नहीं होती है। तब उसकी स्टाफ गर्ल बोलती है शायद मैम आप पहली बार ऑटो में बैठे हैं। अब बे मुंबई आ जाती है, सबका कुछ ना कुछ भला हो ही जाता है मुंबई में, बट हमारी बे है अमीर बाप की बेटी, अब इनका क्या होगा देखते हैं। अब बे अपने उसी ड्रीम प्रिंस को बोलती है मैं मुंबई जाऊंगी, तब वो बोलता है क्या नौकरी करोगी तुम, तब बे बोलती है हाँ मैं जॉब करूंगी। अब बे की रियल लाइफ स्ट्रगल शुरू हो जाती है जहाँ बे को मुंबई में एक सिलन वाले फ्लैट में रहना पड़ता है, ब्राउन ब्रेड की जगह व्हाइट ब्रेड से काम चलाना पड़ता है, साथ में जॉब। अब बे एक न्यूज चैनल के मैनेजर को इंटरव्यू देने पहुंच जाती है जहाँ उससे पूछा जाता है कि आपने कभी पहले न्यूज चैनल के लिए काम किया है, तब बे बोलती है हमने तो नहीं बट हाँ न्यूज चैनल वालों ने हमारे लिए जरूर काम किया है। क्या बात है, अब बे की लाइफ में क्रेजी स्ट्रगल ने घर कर लिया है जिससे बे ऑलमोस्ट फेड अप हो चुकी है। कॉल मी बे अनन्या पांडे को ही डिजर्व करता है। ये ट्रेलर में सब चीज इतनी क्रेजी शुरू हुई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेलर में सब कुछ क्रेजी है शुरू से लेके अंत तक, ये देखना तो बनता है। कॉल मी बे अनन्या पांडे की लाइफ को लिटरली चेंज कर सकती है। ये ट्रेलर अभी तक ट्रेंडिंग पर चल रही है, मैं डैम श्योर हूँ ये कॉल मी बे धूम मचाने वाली है। कॉल मी बे एक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसमें सिर्फ हमें अनन्या पांडे की ही दर्शन होने वाले हैं। कॉल मी बे प्राइम वीडियो पर आने वाली है और ये कॉल मी बे 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है। अब मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, आप भी ज़रूर देखना। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की कॉल मी बे का क्रेजी रिव्यू और आपकी क्या राय है इस रिव्यू को लेके कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।